जोहार दोस्तों, मैं सरनादिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से आज मैं प्रकृति के पर्व कर्मा, प्रकृति के महान पर्व पर एक छोटा सा वीडियो कर रहा हूं। और यह वीडियो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर कोई बाजा गाजा साउंड बॉक्स नहीं लगाया हुआ है और एकदम प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ यह गीत आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है। और यह प्रकृति के पर्व को मनाने के लिए आज भी ऐसा गांव है जहाँ पर किसी तरह का आवाज़ को फैलाने का यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे साउंड बॉक्स बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल मांदर के थाप पर नाचा जा रहा है, मांदर की आवाज़ पर, छम की आवाज़ पर नाचा जा रहा है। आज भी वैसे गांव है जहाँ पर अपनी परंपरा को, अपनी पुरानी परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं और मांदर और छम के सहायता से आज भी गाते हैं। और यही गाना, यही गीत गोविंद असल धर्मेश को पुकारने का, धर्मेश को बुलाने का है। तो चलिए आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, सुनने में। देखिए यह गांव का घर है और गांव में कितना सुंदर और मनोरम दिखता है खपड़ैल घर। खपड़े का घर जो है बहुत ही अच्छा होता है, गरीबों के लिए यही बहुत बड़ा आशियाना होता है। और देखिए यहाँ पर अखड़ा के अगल बगल में जो घर है उसे मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। और मैं जिस छत पर हूँ, यह धुमकुरिया छत है और यह धुमकुरिया के ऊपर मैं खड़ा होके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चलिए अब दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से मांदर के थाप पर छम झांझ बजा करके लोग नाच रहे हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। Thank you.
जाएगा।